हाय दोस्तों, मैं युवराज कटारे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल श्रीराम गैरेज। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों और बेल आइकन दबा दे ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको मिल जाए। ये देखिए दोस्तों, ये 3DX मशीन है, इसमें क्रॉन पिनियन में आवाज़ आ रही थी दोस्तों, तो अभी हम इसको खोलेंगे और आपको बताएंगे दोस्तों। तो चलो खोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जॉइंट हमको खोलना है क्योंकि क्रॉन पिनियन में आवाज़ आ रही है, इसलिए हम ये जॉइंट भी इसका खोल लेंगे। ये 19 के बोल्ट लगते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ से खोल लेंगे। और ये ड्रेन प्लग है दोस्तों, यहाँ से इसको खोल के हम ऑयल निकाल लेंगे। यहाँ से इसका ऑयल निकल जाता है, ये देखिए हमने ऑयल इसका निकाल लिया है। और इसको हम एक साइड ही उतारेंगे दोस्तों, आज इसको पूरा नहीं निकालेंगे क्योंकि इसका एक साइड से क्रॉन पिनियन निकल जाता है और एक साइड से फिट भी हो जाता है। क्रॉन पिनियन के लिए पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं रहती है दोस्तों इसको। ये देखिए, ये 38 के बोल्ट भी खोल लेने हैं, दोनों निकाल लेना है। और उसके बाद ये 16 के बोल्ट खोल के ये ड्रम भी निकाल लेना है दोस्तों, क्योंकि हम इसको अभी उठा के निकालने वाले हैं दोस्तों बाहर। बहुत ही आसानी से तीन जन उठा के इसको, टायर नज़दीक रखना है दोस्तों, बहुत आसानी से निकल जाता है। ये देखिए हमने ड्रम निकाल लिया है, अभी ये हमने एक बोल्ट छोड़ा था दोस्तों, वो खोल के फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए एकदम आसानी से निकल जाता है, टायर साथ बाजू में रखना है और ऐसा उठा के इसको टायर पर रख देना है, बहुत ही आसानी से निकल जाता है दोस्तों। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये ब्रेक प्लेट हाउजिंग है, ब्रेक पिस्टन हाउजिंग, इसको ये लंकी के बोल्ट खोल के निकाल लेना है। और उसके बाद हमारा ये क्राउन पिनियन बाहर निकालेंगे। ये थोड़ा गर्म था दोस्तों, गर्म गर्म में ही हमने खोला था, इसलिए इसको थोड़ा कपड़े से पकड़ के निकाला दोस्तों। अभी इसमें आवाज़ आ रही थी दोस्तों, क्राउन पिनियन के दांते तो सही है, दांता तो टूटा नहीं है, तो फिर अभी इसको अंदर भी खोल के हम चेक कर लेंगे पहले कि इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी रॉड टूट जाता है दोस्तों या फिर गियर टूट जाते हैं, उसकी वजह से भी आवाज़ आता है, तो हम इसको पहले खोल के चेक कर लेंगे। ये थोड़ा टाइट है दोस्तों, तो हम इसको थोड़ा ठोक के निकालेंगे। ये देखिए निकल चुका है दोस्तों, इसके भी गियर तो सब सही है दोस्तों, इसके गियर और इसमें जो वाइसर लगती है वो भी सही है। तो चलो हम इसको फिट कर लेते हैं दोस्तों, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसको अच्छे से फिट कर लेंगे। ये 16 के पाना लगता है दोस्तों, इसको 16 के बोल्ट आते हैं। इसको अच्छे से ऐसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से लॉक करके इसको अच्छे से टाइट कर लेना है दोस्तों। अभी हम इसका पिनियन खोलेंगे दोस्तों, क्योंकि इसके पिनियन में थोड़ा प्ले है और ये प्ले रहने की वजह से इसमें आवाज़ आ रही थी दोस्तों। बाकी इसमें सामान तो कुछ भी डैमेज नहीं है, सब सही है, लेकिन इसमें थोड़ा प्ले था, इसमें प्ले था, इसकी वजह से ये इसी की वजह से ही आवाज़ मार रहा था, इसमें प्ले है दोस्तों। तो हमको ये देखिए, ये सील इधर से बेरिंग निकाल लेना है, फिर ये बाहर निकल लेना है पिनियन हमारा। इसके बेयरिंग दोनों ही अच्छे हैं दोस्तों, लेकिन चेकनट फुल टाइट होने के बाद भी उसमें प्ले रह रहा है दोस्तों। तो अभी उस प्ले को निकालने के लिए देखिए, अभी हमको उसमें काउंटर सिम्स डालने पड़ेंगी। ये हमने पुलर बनाया हुआ है कोन निकालने के लिए, बहुत आसानी से निकल जाता है दोस्तों, ठोकने की ज़रूरत ठोक पीट करने की ज़रूरत नहीं रहती। ये देखिए दोस्तों, ये ऐसा हमने पुलर बनाया हुआ है इसका, इधर आगे से एक प्लेट रख के इसको यहाँ से हम टाइट करेंगे दोस्तों, तो हमारा जो बेरिंग का कोन है वो बहुत ही आसानी से निकल आता है दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए हम इसको टाइट करते जा रहे हैं बोल्ट को, ये देखिए हमारा कोन निकल चुका है, बहुत आसानी से आ जाता है दोस्तों। ये देखिए हमारा कोन निकल चुका है। ये देखिए दोस्तों, अभी हम इसके पीछे काउंटर सिम्स लगाएंगे और इसको अच्छे से टाइट करेंगे। ये देखिए हमने काउंटर सिम्स लगा दी है, अभी हम ये कोन डाल के इसको ठोक लेंगे थोड़ा अच्छे से और उसको
अच्छे से बिठा देंगे। ये देखिए दोस्तों, ऐसे हम इसको ठोक ले रहे हैं पहले। ये देखिए हमारा कोन बैठ चुका है। अभी हम पिनियन चेकनट लगा के इसको टाइट कर लेंगे। ये देखिए, ये छोटा बेरिंग लगा लिया हमने पहले। उसके बाद ये सील लगा लेनी है दोस्तों, ये हमारी ऑयल सील। इसके ऊपर दोस्तों पुरानी सील रख के ठोकना है, ताकि बहुत ही आसानी से बैठ जाता है और सील ख़राब भी नहीं होता है। ये देखिए ऐसे, ये पुरानी सील इसके ऊपर रख के इसको थोड़ा हथौड़ी से ठोक लेना है, बहुत आसानी से बैठ जाता है दोस्तों। उसके बाद थोड़ा एनाबोन लगा लेना है इस पर, और उसके बाद हमारा ये हैंड ब्रेक का प्लेट लगा लेना है दोस्तों। ये देखिए हैंड ब्रेक की प्लेट हमारी बैठ चुकी है। अभी हम इसको चेकनट लगा के अच्छे से टाइट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम इसको गोटी की मदद से अच्छे से टाइट कर लेंगे इसको 46 की ऐसा। फिर टाइट करने के बाद घुमा के देखना है दोस्तों इसको, ये ऐसा ईजी घूमना भी चाहिए, ज़्यादा पैक नहीं हो जाना चाहिए। ज़्यादा पैक हो गया तो बेरिंग फूट जाएंगी दोस्तों, वो ईजी घूमना चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये अभी हम फ्रंट पिनियन की हाउसिंग डाल लेंगे अंदर। इसको थोड़ा ऐसा घुमा के बिठाना पड़ता है दोस्तों। अभी हम देखिए दोस्तों, ये इसका भी थोड़ा, इसमें भी थोड़ा प्ले था, तो हम इसका डावेल पहले निकाल ले रहे हैं। ये देखिए, ये हमने डावेल इसका निकाल लिया है। हम इस ये चेकनट जो रहता है इसका, उससे भी इसको थोड़ा टाइट करके हम इसकी सेटिंग करेंगे। तो पहले हम इस पर एनाबोन लगा ले रहे हैं, इस पर एनाबोन लगा लेना है दोस्तों। एनाबोन लगा के हम ये देखिए, ये ब्रेक पिस्टन हाउसिंग को फिट कर लेंगे। ये डावेल में थोड़ा टाइट रहता है दोस्तों, तो इसको थोड़ा थोड़ा ठोक के बिठा सकते हैं। ये देखिए अभी हमारा एलंकी लग गया है। पहले हमें एलंकी को पूरा टाइट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद देखिए, ये चिकनट को थोड़ा टाइट करते रहना है दोस्तों, और उसको घुमाते रहना है ब्रेक प्लेट के पास से आगे से, और इसको टाइट करते रहना है दोस्तों। इसको बहुत ज़्यादा ठोक के भी टाइट नहीं करना है दोस्तों, हल्का हल्का ही, जब ज़्यादा भी नहीं ठोकना है दोस्तों, नहीं तो इसके थ्रेड ख़राब हो जाते हैं। इसको हल्का हल्का ठोकना है सिर्फ। ये देखिए, हल्का हल्का दबा के हमने इसको टाइट कर लिया है। अभी इसका डावेल हम बिठा ले रहे हैं। ये देखिए, ये डावेल बिठा लेना है और इसको लॉक कर देना है, ताकि चेकनट फिर लूज ना हो। और इसको घुमा के ज़रूर चेक करना है दोस्तों, टाइट नहीं होना चाहिए ये भी। उसके बाद एनाबोन लगा के हमारी ये हाउसिंग, ये देखिए दोस्तों, ऐसे उठा के इसको आसानी से लगा सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, उठा के एकदम आसानी से लग जाती है। तीन जन इसको आराम से उठा लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, दो जन आगे से और एक जन पीछे से, बहुत ही इजी बैठ जाता है दोस्तों। और उसके बाद ये बोल्ट लगा के इसको अच्छे से टाइट कर लेना है। और ये फिर हमने अभी इसका जॉइंट भी खुला हुआ था, तो हम ये जॉइंट लगा लेंगे। ये देखिए, जॉइंट लगा लेंगे। ये इधर एलंकी बैठती है दोस्तों, 8 की एलंकी बैठती है इसको। और ये हमारे हाउसिंग के बड़े बोल्ट, इसको भी हम टाइट कर लेंगे। इसको 46 की गोटी लगती है दोस्तों। उसके बाद ये एक्सल को ऐसा सीधा रख के अंदर डालना है दोस्तों। उसका पोजीशन एकदम ऐसा सीधा रख के डालेंगे तो ये इजी बैठ जाता है। उसके बाद दोस्तों, ये देखिए, इसको है ना ऐसा थोड़ा बाहर रखना है दोस्तों, पकड़ के उधर से पकड़ के रख सकते हैं दोस्तों। और इसको बाहर ही पहले मैच कर लेना है, उसके बाद अंदर ढकेलना है दोस्तों, बहुत आसानी से बैठ जाता है। ये देखिए, जब हम एक्सल के अंदर बाहरी मैच करते हैं तो बहुत आसानी से बैठ जाता है। ये देखिए, उसके बाद हमारे ये 16 के बोल्ट दोनों टाइट कर लेने हैं और ऑयल डाल देना है। ये देखिए दोस्तों, इधर एक साइड से हम ऑयल डाल सकते हैं इसका। तो चलो, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।